अरे अरे सिद्धार्थ बेटा, इतनी सुबह सुबह तुम कहाँ गए थे? बुआ जी, मैं वो कुरियर ऑफिस गया था। मैं जानता हूँ कि ये चिकन का पूरा मसला अब सेटल हो चुका है, लेकिन जब तक मैं इसे पूरी तरह रिजॉल्व नहीं कर लेता मुझे चैन नहीं आएगा। मगर वो कुरियर तो राजवीर का था ना? हाँ बुआ जी, वो राजवीर का ही था, लेकिन हमारे घर में पता नहीं कौन कब क्या कर जाए। वो कुरियर वाला उस दिन अकेला बाहर का आदमी था जो हमारे घर में आया था। मैंने सोचा मैं चेक कर लेता हूँ। अच्छा किया, चल नाश्ता कर ले। नहीं बुआ जी, मुझे ऑफिस जाना है, देर हो रही। चल ठीक है, हैव अ नाइस डे। ओके। ये कण यार, यो बावड़ा तो तेरे पीछे ही पड़ गया भाई, कुछ तो करना पड़ेगा। देखिए जमाई राजा के साथ साथ 1500 से ज्यादा यादगार शोज बिल्कुल फ्री सिर्फ Z5 पर। अभी Z5 ऐप डाउनलोड करें। तो मेरी पत्नी आज मेरे लिए चाय लेकर आई है। अच्छा रोशनी, एक रिसर्च के मुताबिक अगर पत्नियां पतियों से सुबह बात ना करें ना, तो उनकी प्रोडक्टिविटी ऑफिस में डबल हो जाती है, यानी कि वो ऑफिस में दुगना काम करते हैं। फिर एक और रिसर्च के अकॉर्डिंग ये भी पता लगा है कि अगर पत्नियों को ज्यादा सताया जाए ना, तो वो पतियों के नाश्ते में कभी कभी जमाल घोटा मिला देती है। दुगनी सुकून मिलता है। दुगना सुकून मिलता है। तुम्हारी सेंटेंस फॉर्मेशन में गड़बड़ है बेबी। पैसे दो, सब्जी लानी है। पैसे तो है नहीं। What? खत्म हो गए भाई, महीने का आखिरी चल रहा है। अरे घर में पैसे का कोई पेड़ थोड़ी लगा हुआ है। और हाँ, एक्सक्यूज मी, ये देखो, ब्रेड लोव्स, बिस्किट्स, चॉकलेट, डिनर, मूवी, शॉपिंग, ट्रैवल, शर्ट, चॉकलेट, चना, राइस, वेजिटेबल, रूम फ्रेशनर। इतनी फिजूल खर्ची करती हो तुम रोशनी। अब देखो मेरी बात सुनो, टैक्सी की जगह तुम लोकल ट्रेन ले सकती थी, ब्रेड लोव्स की जगह तुम पाव ले सकती थी, रूम फ्रेशनर की जगह तुम अगरबत्ती ले सकती थी, कितने सारे पैसे बचा सकती थी, लेकिन वो पैसे तुमने बचा ही नहीं। अब रोशनी देखो भैया, पैसे तो है नहीं मेरे पास, और वैसे भी जॉब तो तुम्हारे पास भी है। तुम्हारी सैलरी कहाँ है? हट चुका है। नहीं दोगे ना तुम पैसे? ओके? डिनर में ना हवा खा के सो जाना। ओके? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे साथ ये करने की? तुम सबको परिवार की तरह ट्रीट कर रहे हैं और तुम लोग ऐसी हरकतें कर रहे हो, हद करते हो। माफ रहने दीजिए ना, इनके मुंह लगने की कोई जरूरत नहीं। तुम अपना सामान बांधो और निकलो यहाँ से, चलो। हाँ तो जा रहे हैं, पर बता दे रहे हैं कि हमने नहीं किया है, हम सिर्फ पाव लाने गए थे और वही लेकर आए थे। लेकिन हुआ क्या है? देख ना सिट बेटा, इसके बैग में से पाव के साथ अंडा मिला है। वो तो शुक्र है कि मैं किचन में जूस लेने चली गई थी, तब मुझे पता चला ये अंडा लेकर आया है। अगर ये अंडा लेकर आया है तो चिकन भी यही लाया होगा। नहीं मैंने नहीं लाया। क्या कहा मैंने तुम्हें? निकलो बाहर यहाँ से। हाँ तो जा रहे हैं, इस मचमच से अच्छा है जब देखो तब मचमच। मुझे भी नहीं करना काम यहाँ। गुड मॉर्निंग दीदी। ऑल ओके? नहीं नहीं, वो आज आपकी वॉइस में वो पावर नहीं है जो उस दिन थी जब आप मेरे पति पे इल्जाम लगा रही थी। क्या हुआ, बुरा लग रहा है? इट्स ओके, मैं आपको एक अच्छा सा सजेशन दे सकती हूँ। आप ना सिद्धार्थ को सॉरी बोल दीजिए। उसका दिल बहुत बड़ा है,
आपको जरूर माफ कर देगा। यू कैन ट्राई। ओ नो 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 वेट, सॉरी। और आप आपकी डिक्शनरी में तो ये वर्ड ही नहीं है ना। असु मॉम, मैं क्या सोच रहा हूं ना, इस डिजाइन में हमें रूबी की जगह, एक्सक्यूज मी, ज्यादा उछलो मत। एक बार पता नहीं सॉरी क्या बोल दिया, इसका मतलब ये नहीं कि अपनी जगह भूल जाऊं। इसमें रूबी ही डलेगा। ओके, औकात में रहो डीडी के आशीर्वाद से, समझे? ओके, डीडी के आशीर्वाद से। मामी जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। मामी, मेरे ख्याल से अगर रूबी के साथ सरप्राइज यूज करेंगे तो ज्यादा बेटर लगेगा। यहाँ क्या कर रहा? तुम्हें तो डॉक्टर के पास जाना था ना अपना प्लास्टर खुलवाने। मामी जी, मैं वहीं जा रहा था। गुड, जाओ और अपना प्लास्टर खुलवाओ जल्दी से। काफी वक्त हो गया तुम्हें यूएस से आए हो, काफी काम का नुकसान भी हो गया। कॉन्सेंट्रेट ऑन योर वर्क ना। ओके, जी मामी। एक्चुअली नीचे बैठ के खाने का मजा ही कुछ और है। बिल्कुल बिल्कुल, उससे भी ज्यादा मजा तब आता है जब बीवी इतनी समझदार हो। एक तो मैंने तुम्हें पैसे नहीं दिए, फिर भी तुमने मैनेज कर लिया। क्या बनाया आज? मिर्ची का सालन। नो सिद्धार्थ, महीने का एंड चल रहा है ना, पैसे नहीं है, तो अब इतने में ऐसी सब्जी तो मिलेगी। हम तो बहुत शौक से खाते हैं सिद्धार्थ, यू शुड रियली ट्राई। स्टार्ट। यम। सिद्धार्थ खाओ ना। सिद्धार्थ अच्छी बनी है ना? नानी की स्पेशल रेसिपी है सिद्धार्थ। नाइस। और खाओ ना प्लीज। अरे वाट लग गई है, मेरी मिर्ची का सालन खिला दिया उस औरत ने मुझे। मैंने सोचा कि लॉजिक सुनाऊंगा उसको, लॉजिक उसके पल्ले पड़ेगा, पल्ले पड़ना दूर की बात है, यहाँ तो पूरा लॉजिक उल्टा पड़ गया। और परेशान कर मेरी बेटी को, अच्छा सबक सिखाया ना तुझे? ओए बड़ा जेम्स बॉन्ड बनने चला था है? ओए निकल गई सब हेकड़ी है? अरे मॉम, डैड को बोलो मुझे सब कुछ सुनाई दे रहा है और सारी बातें समझ में आ रही है, ठीक है ना? उनको बोलो मेरे मुंह में आग लगी पड़ी है, आप लोग उसकी तरफदारी कर रहे हो। बच्चू, माँ ना पहले बेटी की साइड लेती है फिर बेटे का। हाँ वो बेटी है, मैं क्या सोते लू। मैं करता हूँ फोन, देख लिया आप लोगों को प्यार मैंने, बाय बाय। चल ठीक है। अच्छा सुन, से आधा दूध और आधा पानी पी लेना, ठीक है? आराम मिलेगा तुझे। अरे पी लूंगा माँ, मेरी पहले पानी तो पीने दो। बाय 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 बाय, गुड नाइट। ये देखो फिर से फोन किया पूछने के लिए कि क्या करूँ, आधा दूध कि आधा पानी। कौन? देखिए जमाई राजा के साथ साथ 1500 से ज्यादा यादगार शोज बिल्कुल फ्री सिर्फ Zee5 पर। अभी Zee5 ऐप डाउनलोड करें।